ओ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर मेरे पास है पैनासोनिक जो कि मेरे इस्तेमाल में आने वाला सबसे बड़ा सेल है। गाइस, आज से पहले मैंने जितने अपनी डेली लाइफ के अंदर जितने भी सेल्स यूज़ किए हैं उनका जो साइज है वो इस सेल के बरक्स छोटा है, और ये जो सा सेल है ये काफ़ी बड़ा है। खैर, ये मेरे किसी इस्तेमाल का नहीं, इसलिए मैंने इसे ख़रीदा है, और मैंने इसे इसलिए ख़रीदा है ताकि मैं इसे तोड़ के आप लोगों को दिखा सकूं कि इसके अंदर और नॉर्मल सेल के अंदर क्या फ़र्क होता है। नॉर्मल सेल्स को तो हमने पिछली शायद किसी वीडियोज़ में तोड़ा होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा यकीनन। पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। और इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इस बड़े सेल के अंदर इसे तोड़ने के बाद इस हैमर छोटे हैमर के साथ इसे पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे जो भी चीज़ मिलती है मैं उसे उठा के इन्हें तोड़ने लगता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो सा सेल है उसे मैं इस चीज़ के साथ तोड़ूंगा, और ये जो सा सेल है गाइस ये सेल काफ़ी महंगा है। वो जो सा सेल था वो मुझे 20 रुपये का भी मिल सकता था, लेकिन ये जो सा सेल है ये पूरे 100 रुपीज़ का एक सेल है, बल्कि मैंने एक ही लिया है, मेरे किसी काम का नहीं है, इसीलिए मैं इसे तोड़ने के लिए लाया हूँ। और आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस सेल को अगर मैं उससे तोड़ता हूँ और इसके अंदर से क्या निकलेगा, जबकि छोटे सेल्स के अंदर से आप लोगों ने देखा था कि उनके अंदर से कोई केमिकल वगैरह ब्लैक कलर की चीज़ निकली थी, इतना हमने गौर नहीं किया, बल्कि इस चीज़ के ऊपर अभी देखते हैं। ये बिल्कुल नया सेल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कोई इसकी क्रोया नहीं है, कोई यहाँ पर जंग नहीं लगा हुआ, बल्कि अभी मैंने इसके ऊपर से जो कवरिंग है वो हटाई है, और अभी इसे तोड़ के देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है, क्या ये हमारे लिए खतरा बन सकते। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप घर में ट्राई मत कीजिए। इन सब चीज़ों के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा काम है, पर आप लोग अपना काम नहीं कर रहे, तो चलिए इसे तोड़ते हैं। सो गाइज, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सा सेल है ये बिल्कुल नया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी डेट भी लिखी है, यहाँ पर बिल्कुल क्रोया नहीं है, ये भी मैं नया लेके आया हूँ, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ हुआ। अभी इसे तोड़ के चेक करते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलेगा, तो चलो देखते हैं फिर। तो अगर यहाँ पर मेरे पास सेल है, अभी मैं इसे इससे तोड़ने की कोशिश करता हूँ, अगर ये इसकी कवरिंग है वो मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सो गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो सी सेल की कवरिंग है वो मैंने अभी इसके ऊपर से हटा दी, ये काफ़ी जो सी तेज़ है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसे घर में करने की बिल्कुल भी मत कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर से एक छोटी सी ये रबर टाइप सा मटेरियल है ये भी निकला है, और यहाँ पर जो सी इसकी सेल की यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन होता है ये भी उतर चुका है, और अब यहाँ पर जो सी इसके ऊपर से दूसरी कवरिंग आ रही है, मैं अभी इसे हटाने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर ये भी उतरने वाली है, और यहाँ पर ये जो सा सेल है मेरे पास कुछ ऐसा अब हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर से ये वाली भी कवरिंग हटा देता हूँ, अब देखते हैं कि इसके नीचे क्या है। गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा वो इस चीज़ के अंदर होगा। यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक और कवरिंग आ रही है, अभी मैं इस कवरिंग को भी हटाता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर ऐसे पुट करता हूँ और इसे यहाँ पर से उतार देता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि इस सेल के अंदर से ये जो सा ब्लैक मटीरियल है ये है इसके अंदर। अभी मैं इस थोड़े से ब्लैक मटेरियल को यहाँ पर लगाता हूँ, ये देखिए गाइस, ये जो सा मटेरियल है ये चार्ज है, इसके अंदर करंट है। और आप लोग ऐसा अगर के अंदर कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइड की कवरिंग है ये उतर चुकी है, और यहाँ पर से ये जो सी इसकी दूसरी साइड की कवरिंग है। और गाइस फाइनली यहाँ पर अभी हम इसकी ये जो सी लेयर है इसे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, पर ये उतरने का नाम ही नहीं ले रही, बस इसे मैं यहाँ से कुछ ऐसे ओपन कर लेता हूँ।
सो गाइस इसके अंदर शायद ग्रैंड स्टोर होता है, पर मुझे इतना इसका नहीं पता, लेकिन इसके अंदर जो है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाइस। की स्मेल आ रही है, यहाँ पर कुछ जल नहीं रहा पर मुझे फिर भी स्मेल आ रही है। सो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे सेल के अंदर ये चीज थी, और जबकि मैं वैसे ही डर रहा था कि इसके अंदर से कोई ऐसी चीज ना निकल आए जिससे मुझे नुकसान हो, या फिर आप लोगों को कोई ऐसा सजेशन मिल जाए आप लोग इसे घर में ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बल्कि इस सेल के अंदर कुछ भी नहीं था, मेरे ख्याल से यही जो सा है ये ब्लैक मटेरियल, यही ही करंट को स्टोर करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, इसके अंदर ही करंट स्टोर होता है। और इसके ऊपर यहाँ पर आई थिंक ये एक और लेयर यहाँ पर इस मटेरियल के स्टील के ऊपर भी है, यहाँ पर ये इस चीज़ के अंदर ये जो सा ब्लैक मटेरियल है ये स्टोर होता है ऐसे, और फिर ये इसके अंदर होता है, फिर इसके साथ यहाँ पर ये ऊपर बंद होता है, फिर उसके ऊपर ये वाली कवरिंग होती है गाइस, और फिर उसके ऊपर ये हमारे पास जो सी परफेक्ट जो सी कवरिंग होती है पैनासोनिक, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके ऊपर ये होता है गाइस, ये होता है गाइस पूरे का पूरा एक सेल। सो गाइस ये था हमारा सेल पैनासोनिक सेल। इस सेल के अंदर जो भी चीज़ें थी वो मैंने तोड़ के आप लोगों को दिखा दी, और अब बारी है आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो चलते हैं फिर गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार प्लीज़। यहाँ पर मुझे सख्त लगी है, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसे या ऐसी कोई भी चीज़ को जिसमें तोड़ फोड़ो उसे घर में ट्राई करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब की दी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।